नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन प्लंबर शॉप पर। आज हम यहाँ पे इन्वेंटर फिटिंग करने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन बनाने। यहाँ पे हमने पहले ये बोर्ड लगा दिया था, ये इन्वेटर के लिए है, ये इन्वेटर का आउटलेट है, ये चार्जिंग के लिए है। यहाँ पे हमने MCB लगाए हैं कि जब भी इन्वेटर की लाइन को दिक्कत हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो, तो ये MCB ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे इन्वेटर फिटिंग की करेंगे, किस तरह से करते हैं आपको डिटेल्स में ये जानकारी बता दें। ये प्लग है जो जिसमें इन्वर्टर में जो डिजिटल वाट होता है उसका लेवल बताने के लिए होते हैं। दोस्तों ये प्लग इसमें लगेगा, ये हमें डिजिटल वाट जब कम होता है तो उससे जानकारी देता है किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में। दोस्तों ये अंदर लगेगा, अब देखना ये जो पानी का लेवल, इसमें जो डिजिटल वाटर है उसका लेवल कितना है ये अपना आप बताएगा। ये देखिए, ये अपना आप ऊपर आ जाता है, कम होगा तो ये इस तरह से नीचे चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये काम करता है। अब इसमें पानी पूरा है, अब देखो धीरे धीरे पानी ये कब इसमें भरेगा तब तो ये पूरा लेवल बताएगा, कम होगा तो ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। ये जो रेड पॉइंट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि बाहर से ही इसको खोना नहीं पड़ता है की मतलब को कि इसमें पानी डिजिटल वाटर कितना है। दोस्तों एक इन्वर्टर में जब ये दो बैटरी जोड़ेंगे अपन तो इसे हम सीरीज में जोड़ देंगे, प्लस माइनस को शॉर्ट कर देंगे इस वजह से। और ये जो दो टर्मिनल है ये प्लस और माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसे हम माइनस में जोड़ देंगे और इस प्लस में इस तरह से अपना दोनों बैटरी काम करेगा। इसे हम पहले जोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ग्रीस ना हो तो हम वेसलिन का भी काम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेसलिन में चिकनाई अच्छा आता है तो इसमें कार्बन नहीं आ सकता है, लीकेज होगा तो भी इसमें ये होगा। वेसलिन लगाना प्लस का है पॉइंट, ये देख सकते हैं आप, ये प्लस है, ये देखिए ये प्लस है, इसे हम जोड़ देंगे। दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो अपना पॉइंट पे मैं हाथ लगा रहा हूँ तो इसमें करंट क्यों नहीं आता है। दोस्तों डीसी में बहुत कम करंट आता है पहली बात, और इसमें जब भी करंट आएगा जब 90 वोल्टेज से ऊपर होगा तब हमें करंट महसूस होगा। और ये अपना 12 वोल्ट का आता है, अगर इसे हम सीरीज में भी जोड़ेंगे तो ये 24 वोल्ट होगा, तो भी हमें करंट नहीं आएगा। करंट आ भी जाता है तो ज़्यादा पावर का नहीं होता है, हमें सूखने लगता है। प्लस है, ये माइनस है, आप देख सकते हैं ये माइनस पॉइंट है। ये जो वायर है प्लस का है तो इसे हम प्लस में जोड़ देंगे, ये माइनस है इसको हम इस माइनस में जोड़ देंगे। जो भी स्पार्किंग हुआ इसे हमें अच्छे से टाइट करते रहे, ये लूज होगा तो स्पार्किंग हुआ। लग चुके हैं दोस्तों, अब इधर देखो, ये हमने यहाँ पे अपना ये वायरिंग किया हुआ है, यहाँ पे हमने पहले इन्वर्टर का वायर लेके आ चुके हैं, और जितना भी हमने जो जैसे रूम है और हॉल है किचन जो भी है वहाँ पे हमने एक पंखा एक बल्ब कर दिया है, और जो अपने इन्वर्टर का वायर है सिंगल वायर वो उस स्विच में लगा दिया, तो अंदर का हमारा कम्प्लीट फिटिंग हो चुका है। पहले आज इन्वर्टर फिटिंग कर रहे हैं तो ये अपना कम्प्लीट फिटिंग है। काफ़ी बार हमने देखा है कि कुछ लोग हैं वो जो इन्वर्टर की वायरिंग बोर्ड तक छोड़ देते हैं, फिर बाद में जब इन्वर्टर लगता है तब वायरिंग करते हैं, तो उसमें नुकसान होता है क्योंकि दोस्तों फिर उससे बोर्ड को खोलना पड़ता है। इससे पहले आप ये होगा कि आप पहले ही वायरिंग करके छोड़ दें, और जहाँ पे हमें इन्वर्टर लगाना वहाँ पे इस तरह से प्लग लगा दें तो ये अपना फेज यहाँ से मिल जाता है, तो लाइन सप्लाई वो चालू रहेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हम इन्वर्टर रख के इस लाइन को जोड़ देंगे, यहाँ पर इन्वर्टर की लाइन आ जाएगा। अभी अपना चार्जिंग के लिए है तो हम इसको हटा देंगे, और ये जो टॉप है ये 3 पिन टॉप है, ये हम इन्वर्टर के पीछे जो टॉप है 3 पिन प्लग है उसमें लगा देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे ये 3 पिन प्लग है, यहाँ पे है, देखो दोस्तों यहाँ पे है, तो इसमें हम यहाँ पे लगा देंगे इसको, ये लग चुका है जैसा आप देख रहे हैं। और ये अपना जो 3 पिन टॉप है ये चार्जिंग के लिए, तो इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लग जाएगा,
अब यहाँ पे क्या अलर्ट नहीं आ रहा है पहले ये अपना इन्वर्टर फिटिंग हो चुका है। इतना ही टाइम लगता है इसमें, मुश्किल से आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो ये स्विच है इसका ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे लाइट आ चुका है, ये चल चुका है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, देखो अब ये स्विच ऑन है, ये चार्जिंग नहीं बता रहा है, आप देख सकते हैं ये चार्जिंग नहीं बता रहा है और उधर भी वो स्विच भी ऑन है। अब यहाँ पे अपन लाइट चेक करेंगे, ये रूम है यहाँ पे चेक करने वाले हैं। ये देखो दोस्तों ये लाइट आ चुका है, फैन पेन लगा नहीं है, फैन भी आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा काम होता है। अब जैसे हमने जो भी है यहाँ पे काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन है, ओके वायर यहाँ से लाके छोड़ देते हैं, उस पर टेप करके बोर्ड में ही छिपा देते हैं उसको, और जब इन्वर्टर फिटिंग करते हैं तब उस बोर्ड को वापस होना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप वायरिंग करते हैं उसी वक्त जिस पॉइंट में हमें इन्वर्टर को वायरिंग देना है उस पॉइंट में उसी टाइम दे दें, ताकि जब इन्वर्टर फिटिंग हो तो कोई कोई बोर्ड होना ना पड़े। दोस्तों हमने इन्वर्टर फिटिंग तो कर दिया है, अब बोर्ड खोल कर आपको एक जानकारी दे रहे हैं। ये काफ़ी इलेक्ट्रीशियन क्या कर रहे हैं कि जैसे ये इन्वर्टर का वायर अपना तो इसमें टेप करके यहीं छोड़ देते हैं। अपन को जिस चीज़ में या जिस स्विच में जिस पंखे में जो स्विच का ये जो इन्वर्टर का वायर देना है उसे हम वायर देते हैं। देखो जैसे ये इन्वर्टर का वायर है, ये अपना एक स्विच है, ये लैंप के लिए है, यहाँ से हम कनेक्ट करके इसको यहाँ पे दे रहे हैं। ये इन्वर्टर से है, ये पंखा हो गया है, फैन के लिए है, और ये दूसरा वायर दूसरे बोर्ड के लिए जा रहा है। तो इस तरह से आप वायरिंग करके पहले ही छोड़ दें ताकि बाद में जब इन्वर्टर फिटिंग हो तो हमें ये बोर्ड खोलना ना पड़े। तो आप जब इन्वर्टर लगाएं तो आपका काम भी जल्दी हो जाए। और ये अपना इन्वर्टर फिटिंग है। अब देखो दोस्तों लाइट आ चुका है, आप देख सकते हैं ये अपना इन्वर्टर हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है इन्वर्टर। दोस्तों हमने इन्वर्टर फिटिंग कर दिया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक से कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।